भारत खाद्य तेल के मामले में आयात पर निर्भर है। हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सरकार खाद्य तेल की जरूरतों को पूरा करती है। यही कारण है कि अब खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर पाम ऑयल मिशन की शुरुआत भी हुई है। किसानों को तिलहनी और दलहनी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी बीच कृषि मंत्रालय की तरफ से आए रबी फसलों की बुआई के आंकड़ों में सरकार की कोशिशों के नतीजे साफ दिख रहे हैं। तिलहन के रकबे की बात करें तो इसमें 18.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल समान अवधि में 82.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलों की खेती हुई थी, जो इस बार 18.30 लाख बढ़कर 101.16 लाख हेक्टेयर हो गई है। तिलहनी फसलों में सबसे अधिक रकबा सरसों और रेपसीड का बढ़ा है। बीते साल 73.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों और रेपसीड की बुआई हुई थी, जो इस बार बढ़कर 91 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है, यानी कुल 17.9 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। सूरजमुखी और तिल के रकबे में नाम मात्र की कमी को छोड़ दें तो बाकी सभी तिलहनी फसलों का रकबा इस बार बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।